दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत रेलवे के सामुदायिक भवन जलसा के पोर्च में 4 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार की घटना ने पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी ने बलात्कार की पुष्टि की है। बच्ची का इलाज जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में करने के बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, बच्ची की पहचान नहीं हो सकी। अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल अस्पताल पहुंचे और घटना की पड़ताल कर रहे हैं, पर मीडिया से कुछ बात नहीं की। पुलिस को अंदाजा है कि बच्ची कहीं बाहर से बहला कर लाई गई है, जिसके बाद उसके साथ ये जघन्य अपराध किया गया। अगर देखा जाए तो दमोह में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे समाज का हर तबका नाराज है। एक अज्ञात लड़की में बच्ची मतलब 3-4 साल के भीतर की मिली हुई थी, पुलिस वालों को वो लेके आए, उसका मेडिकल परीक्षण किया गया, उसके बाद उसको थोड़ा सा डीप इंजरी है तो मेडिकल कॉलेज से रेफर कर रहे हैं। एकदम ऐसा बच्ची सेटल स्टेबल है, मतलब उसको ऐसे ज्यादा वो नहीं है कि कोई ज्यादा परेशानी हो। 376 का केस लग रहा है। पुष्टि हुई मैम? पुष्टि मतलब कर दी है मैडम लोगों ने, रेफर कन्फर्म करने के लिए वहां भेज रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में इंजरी है तो संभावित है। बालिका के साथ दुर्व्यवहार के लिए सूचना मिली थी, हमने यहाँ संपर्क किया, बालिका स्थिर है अभी हालात से। आगे उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई इसकी विस्तृत जांच के लिए जबलपुर रेफर किया जा रहा है हॉस्पिटल से, तो विस्तृत जानकारी वहीं से मिली। आपके साथ सिविल सर्जन थी, उन्होंने पुष्टि की है कि इसके साथ बलात्कार संभावना बताई, क्योंकि इंटरनल पार्ट में कुछ चोट है, उन्होंने भी पुष्टि करने के लिए जबलपुर रेफर करने की बात कही। ये एक बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। आज दमोह में मुझे सुबह ही ज्ञात हुआ कि 1-4 साल की मासूम बच्ची के साथ बड़ी दरिंदगी से लोगों में जलसा नाम का एक जो शादी समारोह का ग्रह है उसमें इस प्रकार की घटना हुई है। इससे पूरे दमोह शहर का नाम शर्म से नीचा हो गया है। ये वित्त मंत्री का शहर है और यहाँ इस प्रकार की घटना हुई है, ये पुलिस के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि मंदसौर, सागर, सतना, कटनी लगातार हर जिले में इस प्रकार की घटना हो रही है और इस प्रकार की घटनाओं से हमारे समाज के लोगों की मानसिकता किस तरफ जा रही है समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन जो आज बलात्कार में पहले नंबर पे है उसको इस मामले में शीघ्र से शीघ्र कठोर कदम उठा के इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए।